बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स, डोमेन 1, नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन 3, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करना है नीचे दी गई फ्रैक्शंस का। ये हमें 3 पार्ट्स में फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड, यानी कि तकसीम के तरीके से, जो जजरी तकसीम होती है हमारे पास, रूट डिवीजन, उस तरीके से। उर्दू में इसको ट्रांसलेट करेंगे कि स्क्वायर रूट हमने मालूम करना है, यानी कि जजरुल मुरबा मालूम करना है नीचे दी गई कसूर का, और किस तरीके से, बाय डिवीजन मेथड, तकसीमी तरीके से, जजरी तकसीम के तरीके से हमने नीचे दी गई कसूर का जजरुल मुरबा मालूम करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले इसके स्टेटमेंट दोबारा रीड करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, नीचे दी गई फ्रैक्शंस का, बाय डिवीजन मेथड, तकसीम के तरीके से। अब स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, जजर होता है, जजरुल मुरब्बा, और फ्रैक्शंस क्या होती हैं, कसरें होती हैं, कसूर, और डिवीजन मेथड यानी कि तकसीम का अमल, जजरी तकसीम के अमल से, जजरी तकसीम के तरीके से हमने दी गई फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट यानी कि जजरुल मुरब्बा मालूम करना है। तो फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में 144 ओवर 225, हम इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे 144 ओवर 225, ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे क्योंकि स्टेटमेंट में वो हमें मेंशन कर चुका है कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट हम खुद लगाएंगे। अब हमने डिवीजन मेथड से इनको सॉल्व करना है, और इसका हमने क्या निकालना है, जजर निकालना है यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है 144। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 और 225 का स्क्वायर रूट अलग अलग लिख लेंगे, 140 ओवर 225, इसका स्क्वायर रूट अलग लिख लिया। अब 144 है, इसकी हम रूट डिवीजन करेंगे 144। रूट डिवीजन में आपको पता है कि राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर्स बनाते हैं, और ये हमारा एक पेयर बन गया और यहाँ पर वन है, इसके साथ कोई और नंबर नहीं है, डिजिट नहीं है जो पेयर बना सके, यहाँ पे ये अकेला वन रह गया। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी वन लगाएंगे, यहाँ पर भी वन, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन था वन, माइनस करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अगर हम यहाँ पर टू इस्तेमाल करते तो यहाँ भी हमें टू इस्तेमाल करना पड़ता, क्योंकि जो हमारा रूट डिवीजन का मेथड है उसके अंदर हम स्क्वायर की मदद से चलते हैं, यानी कि स्क्वायर्स लेते हैं यहाँ पर, कि सेम नंबर यहाँ पर होगा वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। हमने अगर वन वन किया है और अगर टू टू कर देते यहाँ पर, तो टू टू इज द फोर हो जाता जो कि वन से ज्यादा होता, इसलिए हमने वन से किया, और वन में से वन माइनस करने से हमारे पास जीरो रिमाइंडर बचा। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 44, इसके बाद हम इसको डबल करके लिखते हैं, यहाँ पर टू हो गया, वन प्लस वन, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि वन प्लस वन कर लें, सिर्फ इसको टू आएगा, या फिर इस वन को जिस पर पहले हमने डिवाइड किया टू से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है, इस वन का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसी को डबल करना होता है, या इसमें इसी को ऐड करके दोबारा लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर टू है हमारे पास, 44 बनाना है, यहाँ पर एक डिजिट लगेगा और यहाँ पर भी एक डिजिट लगेगा, ऐसा नंबर जो कि इसको 44 बना दे, तो टू के साथ अगर हम वन इस्तेमाल करते हैं तो इधर भी वन इस्तेमाल करना पड़ेगा, वन वन इज द वन, वन टू इज द टू, 21 आ गया, तो ये रॉन्ग होगा। अब हम टू के साथ टू मिलाते हैं, यहां पर भी टू लगाएंगे, यहां पर भी टू, ये इधर टू के साथ टू आ गया, नीचे भी टू, टू टू इज द फोर, दो दूनी चार, टू टू इज द फोर, अगेन फोर आ गया। अब ये 44 पूरा आ गया है, ये करेक्ट है हमारे पास, जो कि पूरा पूरा आंसर दे रहा है, तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाना होगा और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। हमारा आंसर 22 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 44 आया है, माइनस करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब ये हमारा रूट डिवीजन से आंसर आ गया 144 का 12 ओवर। अब 225, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने डिवीजन मेथड से, तो रूट डिवीजन करेंगे यहाँ पे 225 की। हम इसी तरह से राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर बन गया
और यहां पर हमारे पास टू बच गया। अब अगर हम यहाँ पर टू लगाते हैं, यहाँ भी टू लगाना होगा, टू टू इज द फोर, दो दूनी चार बनेगा जो कि इस टू से ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा हमें वन से करना पड़ेगा, वन वन द वन, माइनस करेंगे टू में से वन माइनस किया वन रिमाइंडर बचता है, ऊपर से पेयर उतारेंगे 25 और उसी तरह से इसको डबल करेंगे, यहां पर ये टू हो जाएगा। अब टू के साथ हमने ऐसा नंबर लगाना है कि जो यहां पर भी वही डिजिट हो, यहां पर भी वही डिजिट हो और आंसर 125 दे, क्योंकि लास्ट डिवीजन है, आखिरी पेयर हम उतार चुके हैं। तो टू के साथ अगर हम 5 लगाएंगे और ऊपर भी 5 लगा के यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 5 से, 5 का 25, 5 5 25, 2 कैरी आ गया, 5 इधर लिखा गया, 5 2 10, 10 में 2 प्लस किए तो 12, 12 आ गया, ये हमारे पास 125 बन गया। अब ये 125 यानी कि 5 और 5 को मल्टीप्लाई करने से, यानी कि इधर भी 5 लगाएंगे और इधर भी 5, 25, 5 से मल्टीप्लाई होके 125 125 आया, माइनस करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो आंसर हमारा 15 आया 225 का स्क्वायर रूट लेने से। डिवीजन मेथड से हम यहाँ पर 15 लिखेंगे, ये 12/15 12/15 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज गिवन 169/256, 169/256 इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट लगा लेंगे 169/256। इसका स्क्वायर रूट लगाने के बाद अब हमने 169 और 256 इसका स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से, तो डिवीजन मेथड में डिवीजन अलग अलग होती है हर नंबर की, तो हम इसका स्क्वायर रूट भी अलग अलग करेंगे कर लेंगे 169/256, इसका स्क्वायर रूट अलग, इसका स्क्वायर रूट अलग। 169 सबसे पहले है हमारे पास, तो 169 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। ये डिवीजन मेथड है, इसके अंदर आप जानते हैं कि हम पेयर्स बनाते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट एक पेयर बन गया 69, हमारे पास 1 बचा, 1 1 से ही डिवाइड होगा, 1 1 द 1, माइनस किया, अब ऊपर से ये 69 का पेयर उतारेंगे। हम रूट डिवीजन के अंदर पेयर्स की शक्ल में नंबर्स को नीचे उतारते हैं, जबकि आम डिवीजन आम तकसीम में एक एक डिजिट को नीचे उतारा जाता है। अब इसको डबल कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा। ये जो एरो का निशान है ये जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन में लगाएं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एरो का निशान लगाता हूं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है बात के। जो भी यहाँ पे आंसर आता है हर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर डबल होता है, अगर इससे अगला स्टेप होगा तो टोटल जो यहाँ आंसर लिखा होगा ये नेक्स्ट स्टेप में फिर डबल हो जाएगा, इसी तरह कॉन्टिन्यूसली। अब 2 है, 2 के साथ हमने ऐसा डिजिट लगाना है कि हमारे पास आंसर 69 आए, तो 2 के साथ हम 3 लगा के देखते हैं, यहां पर और यहां पर भी 3 लगाने से 3 3 इज द 9, 3 2 इज द 6, 69 ये हमारे पास आ गया पूरा पूरा आंसर, तो इसका मतलब है हम यहां पर और यहां पर 3 लगा सकते हैं। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 69 आंसर आया था, हम यहां पे 69 आंसर लिखेंगे, माइनस करेंगे 69 में से 69, 69 में से 69 माइनस करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं बचता, 0 बचेगा। अब ये 13 हमारा 169 का स्क्वायर रूट आ गया है डिवीजन मेथड से। अब हम 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से, तो 256 लिखेंगे यहाँ पे डिवीजन, अब यहाँ पे इसका पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर बन गया, राइट से लेफ्ट पेयर्स बनाते हैं, यहाँ हमारे पास 2 है तो ये 1 से होगा डिवाइड, 1 1 द 1, अगर हम 2 कर देंगे 2, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 द 4 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 2 में से 1 माइनस किया 1 रिमाइंडर बचा। अब ये 56 का पेयर नीचे उतारेंगे, हमारे पास 156 हो गया, इसको हम डबल करके यहाँ पे लिखते हैं, ये 2 हो गया। अब 2 के साथ हमने ऐसा नंबर लगाना है कि हमारे पास आंसर 156 आ जाए, तो हमें नंबर ढूंढने के लिए 2 के साथ कोई डिजिट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम 2 के साथ 4 लगाएं, यहाँ पर भी 4 लगाएं, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर ठीक आता है या नहीं। ये लास्ट क्योंकि हमारे पास स्टेप है डिवीजन का और लास्ट में 6 बनाना है हमने, 6 हमारे पास दो ही सूरतों में मुमकिन है कि या तो यहाँ पर और यहाँ पर 4 लगाएं, 4 4 द 16 होता है, 16 जो है वो लास्ट में हमें 6 देता है, या फिर दूसरी सूरत में हम 6 लगा सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, 6 6 द 36, 6 6 36 होता है जो कि लास्ट में 6 देता है,
इन दोनों में से ही कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, या तो फोर लगेगा या सिक्स। पहले फोर से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, फोर फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन का सिक्स लगा वन कैरी, फोर टू एट, चार दो आठ, आठ में वन एड किया तो नाइन हो गया, 96। ये एक स्मॉलर नंबर है, इसे आंसर पूरा नहीं दे रहा, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम करेंगे टू के साथ सिक्स को इस्तेमाल करके देखते हैं, सिक्स लगाएंगे यहां पर भी सिक्स लगेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स सिक्स द 36, 36 का सिक्स लगाया यहां पर और थ्री कैरी आ गया, सिक्स टू द 12, छह दो 12, 12 में थ्री ऐड करेंगे तो 15। ये हमारे पास पूरा पूरा आंसर आ गया। इसका मतलब है कि हम सिक्स को यहां पर यूज कर सकते हैं, इधर भी सिक्स लगेगा, इधर भी सिक्स, ये 26, जब सिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 156 आंसर देगा। माइनस करेंगे, 156 में से 156 माइनस किया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ये हमारे पास 16 आंसर आया है 256 के स्क्वायर रूट का, जो कि हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व किया है, 13/16 यानी कि 13/16 क्वेश्चन नंबर टू के सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें गिवन है 5/41/64, 5 से ही 41/64। हम इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे, सबसे पहले 5/41/64 इसका स्क्वायर रूट यानी कि जजरुल मुरब्बा, जो कि हमने फाइंड करना है, स्टेटमेंट में गिवन है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाने के बाद इसको देखेंगे कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जिसके अंदर होल एक नंबर दिया हुआ है और साथ में रिमाइंडर और डिनोमिनेटर है, तो हम इसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको समझा चुका हूं, अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं, 4/41/64 इसको कॉमन फ्रैक्शन बनाने के लिए यानी कि पी ओवर क्यू की शेप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई से जो आंसर आता है उसमें ये 41 प्लस कर देते हैं, जो ऊपर वाला रिमाइंडर होता है। तो पहले हम 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5/4 20, 20 का 0 लगेगा और 2 कैरी आएगा, 5/6 30, 30 में 2 ऐड करेंगे तो 32, 320, 320 आ गया हमारे पास। अब इसमें ये 41 ऐड करना है तो 41 ऐड करेंगे, 0+1 1, 2+4 6 और ये 3 सेम, ये हमारे पास 361 इसका हमारे पास न्यूमिरेटर बन के आ गया है, 361 ओवर, जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहता है यानी कि मखरिज, इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब हमने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, तो हम जानते हैं कि डिवीजन मेथड के अंदर डिवीजन हर नंबर की अलग अलग होती है, 361 और 64 जो है इनकी डिवीजन अलग करने के लिए हम इनका स्क्वायर रूट भी अलग अलग लिख लेंगे। अब पहले हम 361 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से, 361 और यहां पे डिवीजन, इसका पेयर बनाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, एक पेयर बन गया, यहां पर 3 है, ये 1 पर डिवाइड होगा, 1 1 1, 2 से करेंगे तो 2 2 4 इससे बढ़ जाएगा तो 1 1 1, माइनस करेंगे 3 में से 1 माइनस किया, 2 रिमाइंडर बचेगा। अब ऊपर से ये 61 पेयर उतारेंगे, ये 261 हो गया, 1 को डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 के साथ हमने ऐसा नंबर लगाना है जो यहां पर भी सेम ही डिजिट हो, यहां पर सेम डिजिट हो, मल्टीप्लाई करें तो आंसर 261 आए। 261 क्यों चाहिए, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है इस डिवीजन का, तो लास्ट स्टेप के अंदर हमने 1 बनाना है, 1 एक ही सूरत में मुमकिन है, अगर हम 2 के साथ 9 लगाएं और मल्टीप्लाई भी 9 के साथ करें तो 9 9 81, 9 81 81 का 1 लगेगा, 8 कैरी, 9 2 18 18 में 8 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, ये देखें 18+8 करेंगे तो ये हमारे पास 26 आता है, तो ये 26 261। इसका मतलब है कि यहां पर भी हम 9 लगा सकते हैं, यहां पर भी 9 लगा सकते हैं, 29 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 261 आएगा, जो कि पूरा पूरा आंसर है, माइनस करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा, ये 19 हमारे पास 361 का स्क्वायर रूट आ गया, जो कि हमने डिवीजन मेथड से भी निकाला है। अब हम 64 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से, 64 लिखेंगे यहां पर, इसका एक ही पेयर बनता है 64,
लिहाजा ये एक ही डिजिट ऐसा होगा, एक ही नंबर ऐसा होगा जिस पर ये डिवाइड हो जाएगा, और वो नंबर है 8 8 8 64। माइनस करेंगे तो जीरो रिमाइंडर बचेगा। 7 से करेंगे, यहां भी 7 लगाना पड़ेगा, यहां भी 7, 7, 7 इज द 49, स्मॉलर नंबर है, फायदा नहीं है इसका। 9 से करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, 9, 9 इज द 81, 81 आएगा। हमें 64 चाहिए था, जो कि एक ही सूरत में मुमकिन है कि हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें। अब ये 8 हमारे पास 64 का स्क्वायर रूट आ गया, जो कि हमने डिवीजन मेथड से निकाला है। अब ये 19/8, 19/8 हमारे पास आंसर जो आया है, इसको हम चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमें क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया था, लिहाजा हम आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन में आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास न्यूमिरेटर इसका बड़ा नंबर है, और जो डिनोमिनेटर है यानी कि मखरज है वो एक छोटा नंबर है, इसको डिवाइड कर सकता है। हम 19 को 8 पर डिवाइड करेंगे, 8 2 16, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 रिमाइंडर बचेगा, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब ये 2 होल नंबर है जो कि कंप्लीटली जिसने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, जिसे 2 होल या 2 सही पढ़ते हैं। उसके बाद 3 लिखा जाता है जो हमारे पास रिमाइंडर होता है, और उसके बाद डिनोमिनेटर हमेशा वही सेम ही आता है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम 8 आएगा। ये हमारे पास आंसर बन गया 2 होल 3/8, 2 सही 3/8। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। आज हमने एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।